अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फोटो पे, आपकी डीपी पे डबल सर्कल बने, जो एक प्रोफेशनल अकाउंट में रहते हैं, जिनके ब्लू टिक रहते हैं उनके अकाउंट में रहते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल, आपकी डीपी, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की जो डीपी है वो कुछ इस टाइप की दिखे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपके फॉलो भी कर लेते हैं, आपको फॉलोवर भी आपके बढ़ जाते हैं, एंगेजमेंट बढ़ जाता है आपके अकाउंट का, तो इससे भी काफ़ी अच्छी रीच बढ़ती है अकाउंट की। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये वाली डीपी कैसे बनती है और लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे फ्री में बना ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास ब्लू टिक होना चाहिए इसके लिए, बिना ब्लू टिक के भी बन जाती है, एक छोटी सी प्रोसेस है जो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में जाके बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है पूरी देखने के बाद, तो ये पसंद आने के साथ साथ आप भी इसको अपनी डीपी बना लेना, और वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। स्क्रीन पर बहुत सारे आपको थंबनेल दिख जाएंगे, ये सारी वीडियो बन चुकी है, और भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैं आपको समझाता हूं कि वो डीपी कैसे बनती है और आप उसको कैसे बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, सिंपली आपको क्रोम पर क्लिक करना है, एक न्यू टैब खोल लेना है, न्यू टैब में आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम डीपी सर्कल पीएनजी। मैंने सर्च करके रखा पहले से इंस्टाग्राम डीपी सर्कल पीएनजी, इसको सर्च करना है। सॉरी मैंने वाईफाई ऑन नहीं किया, एक मिनट में वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर लिया है, तो सिंपली ये देखिए आ चुका है। यहाँ पे आपको पीएनजी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम डीपी सर्कल पीएनजी सर्च कर लिया, ये जो फोटो है ये देखिए ये वाली, ये ऑलरेडी पीएनजी में है, लेकिन ये वाली हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाली, क्योंकि ये वाली पीएनजी में नहीं है। तो ये देखिए ये वाली जो फोटो है ये पीएनजी में नहीं है, इसको हमको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इसको पहले मैं सेव एज कर लेता हूँ, आपका भी जहाँ पे भी आपको सेव करना है कोई भी फोल्डर में, तो आप सिंपली इसको पहले सेव कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है, तो ये फोटो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, न्यू टैब में जाना है और बीजी रिमूव ये आपको सर्च करना है। ये देखिए मैंने पहले से सर्च करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है और जो फोटो आपने डाउनलोड की है उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो ये क्या करता है कि आपकी फोटो को पीएनजी में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए एक बार ये यहाँ पे पहले अपलोड होगी, ये देखिए अपलोड हो चुकी है यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे डाउनलोड, ये देखिए ये जो बैकग्राउंड होता है ना इसको बोलते हैं पीएनजी नॉर्मली। सिंपली मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों को ये सब पसंद आता है, लेकिन हमको ये यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, हमको यही वाला चाहिए जो पीएनजी में अवेलेबल नहीं था। अगर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे को अवेलेबल नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर लिया है। वापस आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कैनवा, ये भी मैंने पहले से सर्च करके रखा था कि यहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए ये मैंने सर्च करके रखा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए सिंपली मेरा अकाउंट बना हुआ है अंकित पारिक, तो आप साइन इन कर लीजिएगा नंबर और मोबाइल नंबर से। क्रिएट के डिज़ाइन में आपको क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। साइनअप का इतना कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, आप आराम से कर सकते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड्स पर, एक मिनट अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको अपलोड इमेज में जाना है और जो भी आपको फोटो लगानी है डीपी में वो फोटो को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से सेलेक्ट करके रखा है इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले से फोटो एक अपलोड कर ली है अपनी जिसके ऊपर मुझे ये सर्कल लगाना है। ये वाली फोटो देखिए ये मैंने कर ली है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपने फोटो को यहाँ पे बड़ा कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग वाइट पेपर के वाइट जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कर लेना है। फिर आपको वापस अपलोड इमेज में डिवाइस में जाके ये जो फोटो आपने अभी बनाई थी पीएनजी वाली ये यहाँ पे आपको ओपन करनी है, मतलब अपलोड करनी है। मैंने पहले से करके रखी है, मैं आपको एक करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखिए इस इमेज को आपको सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, तो अभी आपको लगेगा कहाँ चली गई फोटो, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिंपली पहले इसको छोटा करना है, इसको बराबर लेवल में लेके आना है, ये क्या वो पोस्ट के बराबर आ जाता है तो थोड़ा बड़ा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार देखिए एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, मतलब जो सर्कल की साइज़ है उसमें आपको सिंपली इसको छोटा बड़ा करके आपको एक दो मिनट लगेगा, इसको आप सिंपली कर लेना। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक बार, ये देखिए पूरा खुल गया। अब इसके बाद आप इसको जितना चाहो छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मान लीजिए एक बार हम फोटो वापस ले लेते हैं, ये देखिए ये फोटो आपको साइड में रखनी है, साइड में रख ली। अब क्या करना है, ये देखिए पीछे है फोटो के, तो राइट क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड इसको कर लेना है, जो मैंने कर लिया है, तो ये फोटो के ऊपर आ गया, नहीं तो ये फोटो के पीछे चल जाता तो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमें फोटो के ऊपर चाहिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए इसको मैं साइड करता हूँ, ये देखिए फोटो को पहले मैं बराबर एक बार पूरी ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर ली, और ये देखिए सर्कल आपको यहाँ पे सिंपली लगा लेना है और फोटो डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन 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 रुकिए, इसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। ये देखिए यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जितना आपको चाहिए, ये देखिए मैं अपने हिसाब से एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड में। ये देखिए अब आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको पीएनजी जो सजेस्टेड है उसमें आपको डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड करना है।
सॉरी थोड़ा मेरा सांस अटक गया था। आपको डाउनलोड फॉर्म में इसको मतलब जेपीजी फॉर्म में आपको इसको डाउनलोड करना है। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई है, एक बार मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हो गई है। अब इसमें क्या दिक्कत आती है बहुत लोगों की, लोगों का क्या है कि ये साइज़ बराबर बैठ नहीं पाता है डीपी में, या तो सर्कल डीपी से बाहर चल जाता है या डीपी में सिर्फ फोटो आ पाती है वो आ नहीं पाता, मतलब पूरा एक एडजस्ट नहीं हो पाता जैसे हमको डीपी चाहिए ना उस टाइप की नहीं बन पाती। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहीं पर रखना है, अपने फ़ोन में ये वाली फ़ोटो को डाल लेना है डाउनलोड करने के बाद में, और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देना है अपने लैपटॉप को, डीपी लगा के देखनी है। अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वापस यहीं पे आना है सर्कल को। अगर मान लीजिए सर्कल बड़ा हो रहा है तो सर्कल छोटा कर दीजिए, अगर सर्कल छोटा हो रहा है तो सर्कल बड़ा कर दीजिए, और मान लीजिए फोटो भी सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये वाली जो फोटो है इसको आप सिंपली ऐसे छोटा कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ लेके ये देखिए इस साइड आप करके इसको आप यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लेना जैसा भी आपको करना हो। और अगर आपको मान लीजिए और कोई चाहिए इनमें से भी, अगर आपको कोई चाहिए तो भी आप यहाँ से भी उठा सकते हो, जो आपको डायरेक्ट अगर PNG में मिलता है ये वाला चाहिए, बहुत लोग इसको भी लगाते हैं, तो आप ये वाला भी यहाँ से उठा सकते हो। जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ आराम से, जो भी आपको पसंद आए जो भी आपके मन में रहे वो आप ले सकते हो। तो यही था जो मेरे को आपको बताना था कि आप कैसे फ्री में ये वाला डीपी वाला बना सकते हो, जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, वेरीफाइड अकाउंट में रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और आपको भी ये बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप वहाँ पर भी मुझे कोई क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।